आज की तारीख में कन्वीनियंस सबसे बड़ा गेम चेंजर है। गैस पे कुकिंग करने के दिन गए, पुराने हो गए। अब जमाना है इंडक्शन कुकर्स का, बिकॉज इंडक्शन कुकर को आप कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी माउंट कर सकते हो, बिजली पे चलता है, स्मोक फ्री कुकिंग है। सो बहुत सारी कन्वीनियंस है जो इंडक्शन कुकर देता है। अब मार्केट में तो हर तरह के इंडक्शन कुकर आते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, इंडक्शन कुकर को यूज कैसे करना है, तरह तरह के सवाल हमारे जहन में होते हैं। उन सारे सवालों को ये वीडियो बिल्कुल हल कर देगा। तो सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में मिस ना करें। आज जिस इंडक्शन कुकर को हम आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, वो है फिलिप्स का डेली कलेक्शन, एंड इसका मॉडल नंबर है HD4929/01। So, अब देखते हैं कि इस इंडक्शन कुकर के फीचर्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरलाइज्ड फीचर बता देता हूं हर इंडक्शन के। इंडक्शन कुकर पे एक हॉट प्लेट होती है, एंड क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए इंडक्शन पे काम आने वाले जो बर्तन होते हैं उनका बहुत जरूरी है कि उनका बेस फ्लैट हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये भगोनी है। अब ये जो भगोनी है, इसमें जब तक फ्लैट बेस नहीं होगा, तब तक ये इस हॉट प्लेट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो हीटिंग नहीं होगी। तो जो भी बर्तन आप ले वो फ्लैट बेस का हो, और फ्लैट बेस में जैसे मेरे पास ये भगोना है, ये पैन है। अब पैन के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैट बेस है। सो जैसे ही आप पैन को इंडक्शन पे रखेंगे, ये टोटल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। वहीं पर अगर आप इस तरह के कर्व्ड बेस के बर्तन लेंगे, तो कर्व बेस के बर्तन डेफिनेटली फ्लैट के ऊपर नहीं आएंगे कॉन्टैक्ट में। और आप ये देखिए, सरफेस एरिया नहीं मिल रहा, जिस वजह से इसमें हीटिंग नहीं होगी। तो आपको ध्यान बस इतना सा रखना है कि कर्व्ड बेस के बर्तन ना हो, फ्लैट बेस के बर्तन हो। सो ये तो पहला पॉइंट था इंडक्शन का। अब इस इंडक्शन कुकर की बात हम करते हैं, तो ये इंडक्शन कुकर आपके पास आता है एक साल की वारंटी के साथ, प्लस इसमें 6 प्रीसेट मेन्यू है फॉर इंडियन कुकिंग। वो मेन्यू देख लेते हैं। वन इज दिस इज द मैनुअल मोड, देयर इज रोटी एंड डोसा मोड जो फ्लैट तवे पे आप बना सकते हैं, वन इज द ग्रेवी मोड, स्टर फ्राई मोड, स्लो कुक मोड एंड प्रेशर कुक मोड। सो ये जनरली वो चीजें हैं जो हम इंडियन कुकिंग में यूज करते हैं। देन देयर इज टेम्परेचर, टाइमर, माइनस टेम्परेचर, प्लस टेम्परेचर। इस इंडक्शन की जो कैपेसिटी है, दैट इज 2100 वॉट की पावर के साथ ये इनेबल्ड है। 2100 की पावर यानी कि आप इसके ऊपर डीप कुकिंग, फ्राइड चीजें भी बना सकते हो, जिसमें हाई स्मोकिंग पॉइंट चाहिए, हाई हीट चाहिए, वो आप कर सकते हो। यू कैन पॉज द कुकिंग इन बिटवीन, आप इसको पॉज कर सकते हो, और ऑन एंड ऑफ बटन तो होना ही है। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है इंडक्शन पे, इसकी हॉट प्लेट पर ये मार्किंग हो रखी है। यू नो देयर इज द आउटर सर्कल एंड देयर इज द इनर सर्कल। सो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी बर्तन इस इंडक्शन पे आप रखें, आपको इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही रखना है। यू नो दिस इज द करेक्ट वे टू प्लेस अ यूटेंसिल ऑन इंडक्शन। आपको ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं रखना है, आपको बर्तन बिल्कुल इसकी मार्किंग पे ही रखना है, ताकि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बर्तन को इवनली और प्रॉपरली हीट करे। तो सबसे पहले तो इंडक्शन ऑन करते हैं। मैं कुछ स्टर फ्राई करने वाला हूं, तो मैं स्टर फ्राई मोड ऑन कर देता हूं। सो इसने ऑलरेडी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना चालू कर दिया है, और 1300 की पावर पे ये हीट कर रहा है। तो थोड़ा सा पैन जैसे ही गर्म होने चालू हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा ऑयल। सो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा कैप्सिकम। एंड नाउ यू सी सिजल की आवाज ऑलरेडी आनी चालू हो गई है। थोड़ा सा अनियंस एंड थोड़े से पनीर के क्यूब्स, and I'll just toss it. Now see,
इंडक्शन पे खाना एक्चुअली बहुत जल्दी भी बनता है। अगर आपको लगे कि गैस तेज है तो आप टेम्परेचर कम करके इसको स्लो कुकिंग कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्विकली हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। मेरे पास तंदूरी मसाला है, आई एम श्योर आप सबकी रेसिपीज है सो, और बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे है सो मस्ट वॉच वीडियोस। ये हमने हल्का सा इस पे तंदूरी मसाला स्प्रिंकल किया, वेरी लाइट, और इसको एक बहुत ही क्विक स्टर, एंड इन नो टाइम स्टर फ्राइड ये वेजिटेबल्स एकदम तैयार हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं इंडक्शन ऑफ कर देता हूं। अब आपको ध्यान देने वाली बात, इंडक्शन ऑफ करके आप बर्तन हटा लीजिए, अपनी सब्जी सर्व कर लीजिए, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इंडक्शन का जो फैन है वो अभी भी चल रहा है। इसको पावर ऑफ मत करिए। इसका फैन लगभग 3 मिनट तक चलेगा, इसको कूल डाउन करेगा। सबसे ज्यादा जो कारण होता है इंडक्शन खराब होने का वो यही होता है कि हम कुकिंग होने के बाद उसे तुरंत पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ आपको सिर्फ बटन से करना है, मेन स्विच से नहीं करना है। लेट द फैन बी वर्किंग। 3 मिनट तक ये काम करेगा, ठंडा करेगा इंडक्शन को, और 3 मिनट के बाद जब फैन बंद हो जाए तब आप इसे पावर ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो हमने स्टर फ्राइड तो कुछ बना लिया, अब बारी है बनाने की। कुछ बॉईल करके आपको दिखाते हैं, सूप बनाते हैं। तो सूप बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई टेक भिगोना, ऐसा फ्लैट बेस वाला। इसमें पानी ले लेता हूं 1 कप लगभग। ये मैंने पानी लिया, एंड आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक यू नो इंस्टेंट सूप यूज कर रहा हूं। सो जस्ट अब मैं इसमें ये सूप पाउडर ऐड कर देता हूं पानी में। ओके, इस बर्तन को हम हटा देते हैं और ये भगोना यहां पे प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्किंग। वापस से इंडक्शन ऑन करते हैं और अब मैं इसको ग्रेवी सेटिंग पे कर रहा हूं क्योंकि हमें बॉईल करना है इसको। सो मैंने इसको ग्रेवी सेटिंग पे किया, इसने ऑटोमेटिकली 100 डिग्रीज दे दिया क्योंकि आप जानते हैं 100 डिग्रीज पे पानी उबलता है। सो इसने 100 डिग्रीज दे दिया है। जस्ट कुछ नहीं, इसको स्टर करना है थोड़ा सा। सबसे अच्छी चीज इंडक्शन की ये है कि आप इसको, ये बहुत पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। यू नो, अगर फ्रेंड्स के साथ पार्टी हो आप इंडक्शन ले जाओ, वहां पर सबके साथ कुकिंग करो, इट्स ऑलवेज फन। गैस के साथ ये एक लिमिटेशन आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, फिलिप्स का ये डेली कलेक्शन इंडक्शन कुकर जो है, दिस इज प्योरली एंड कंप्लीटली मेड इन इंडिया। सो भारत का प्रोडक्ट है, भारत में निर्मित है, भारतीयों के लिए है। इंडक्शन को क्लीन करने के लिए ऑलवेज यूज अ डैम्प क्लॉथ, और एक बार साफ करके इसे नीट एंड क्लीन जगह पे अच्छे से रख दीजिए। आई एम श्योर इंडक्शन बहुत लंबा साथ देगा आपका और यू विल एंजॉय कुकिंग ऑन इंडक्शन कुकर्स। सी नाउ परफेक्ट बॉयल आ गया है। सो बस आई थिंक द सूप इज ऑल्सो रेडी। मैं इसको ऑफ कर देता हूं और फैन देखिए अगेन चल रहा है। सो फैन को चलने देना है, फैन को बंद नहीं करना है। ये एक छोटा सा पॉइंट है बस जो आप ध्यान में रखिए, बाकी इंडक्शन आपका हमेशा साथ देगा। मैं इंजॉय करता हूं मेरा सूप एंड ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसकी प्राइसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स हैं ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। हैप्पी कुकिंग।